जनता कितना परेशान है, योगी जी हो या मोदी जी हो, खाली मंच पे भाषण देना आसान है। जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, स्लोगन था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो आ गई भाजपा सरकार, मिट गए सब किसान, बीजेपी जीरो है, जीरो है, जीरो है, कोई काम नहीं किया। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। विधायक जी आए आते हैं वोट मांगने, विधायक जी का हम चेहरा आप तक छूट कर नहीं देखे बाटे। क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा जी, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं बाटे तुम्हारे गोरखपुर यानी बस्ती में? काम कैसा कर रहे हैं मैडम, आपको खुद दिख रहा है? नहीं, हम तो पूछने आए हैं। अच्छा सुनिए, लेकिन आप जनता कितना परेशान है, योगी जी हो या मोदी जी हो, खाली मंच पे भाषण देना आसान है, लेकिन जनता कैसे निवारी उसको झेलना आसान नहीं है। आज 200 रुपए हर व्यक्ति सरसों का तेल खरीद रहा, कैसे खरीद रहा, कहाँ से खरीद रहा, वही जानता है। भाजपा सरकार है ये कांग्रेस की बुराइयां गिनाती है, 70 साल में जो उन्होंने बनाया है बिगाड़ा, उससे ज्यादा इन्होंने लूट लिया कांग्रेस ने। ये 7 साल में क्या कर दिए, 7 साल में उससे ज्यादा लूट लिए, आज हर संस्था प्राइवेट हो गया। लेकिन भाजपा का कहना कि भाजपा ने किसानों के खाते में पैसे डाले, तमाम योजनाएं, माता जी पीछे से निकल जाइए, कैमरे के पीछे मत निकलिएगा। हाँ। अगर 10 किसान हैं तो 100 आम जनता है, हाँ, 10 के साथ 100 पीस रहे हैं, ना कि 10 के फायदा होने से 100 परेशान नहीं है, 100 ज्यादा ही परेशान है। सब्जी मंडी में आप 500 रुपए लेके चले जाओ, पता नहीं लगता 500 झोला भरेगा नहीं भरेगा। ठीक बात है, 500 रुपए कहाँ से आएगा वो तो वही जानता है। और ये सवाल जायज है क्योंकि जब सरकार बनी इसी नारों पर कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, बीजेपी तो सरकार। आपका सवाल जायज है आपकी सरकार तो 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया उससे ज्यादा 5 साल में मोदी सरकार योगी सरकार करके दिखा दिए। आज एयरपोर्ट कहते फला जगह एयरपोर्ट के लगा अंतरराष्ट्रीय, वो प्राइवेट हो गया। गोरखपुर में तो एम्स बनवाया, सड़कें बनवाई, तमाम खाद क्या मतलब है, आज गरीब आदमी रोड पे भटक रहा है, एम्स का डेली बीमारे रहेगा आदमी, कमाएगा खाएगा नहीं तो इलाज कहाँ से होगा। बस्ती में योगी जी काम अच्छा किए हैं कि नहीं किए हैं? काम तो अच्छा दिख नहीं रहा, धरातल पे दिख नहीं रहा, हवा हवाई है, सब सब हवा हवाई है जी। कहा तो बहुत गया कि बस्ती में ये दे दिया, बस्ती में इतना विकास कर दिया, सड़कें बनवा दी गई, बस्ती के लोगों के अच्छे दिन आ गए। नहीं, ये सब कहने दिन है, अच्छे दिन ये आए हैं, किसानों की आय घटा दी गई है, दोगुनी कर दी गई, माइनस में आ गया है, माइनस में आ गया। हाँ, उसके बाद महंगाई और बेरोजगारी पूरी तरह से फ्लॉप है। और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की आप बात करेंगे, बीजेपी कहेगी हमने 100 करोड़ लोगों को इंजेक्शन यानी टीके लगवा दिए, आप बात करेंगे बेरोजगारी की तो बेरोजगारी के लिए सरकार ने तो कहा कि करोड़ों लाखों रोजगार दे दिए, पूरे दिल्ली तक पोस्टर लगे। अच्छा ये बताइए, जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ टीका नहीं लग रहा है, फिर इनको क्या करने की जरूरत है आप बताइए? फिर किसी के घर के मरीज अगर मान लीजिए तबीयत खराब जाएगी तो हमको कर्जा लेके वहाँ दिखाना पड़ेगा, ये इनका एक ढकोसला है। महंगाई और बेरोजगारी पे पूरी तरह से ये फेल हैं और इनके 5 विधायक बस्ती के और एक सांसद, हाँ, पूरी तरह से नाकाम हैं। किसको देख रहे हैं विकल्प के तौर पर? विकल्प के तौर पे देखे सीधी लड़ाई अखिलेश यादव से। स्लोगन था बहुत हुई महंगाई की मार, हाँ, अब की बार भाजपा सरकार, हाँ, तो आ गई भाजपा सरकार, मिट गए सब किसान, हाँ, हाँ, उनकी फसल बर्बाद हो गई बाढ़ से। आप करते हैं खेती किसानी भी? जी। अच्छा, और 100 रुपए लीटर 100 रुपए लीटर डीजल खरीदने को मजबूर हुए, 1000 रुपए सिलेंडर, यही सिलेंडर धर करके प्रदर्शन करते थे किसी समय में, और काम होने का नाम नहीं ले रहा कुछ नहीं। महंगाई पे इनकी राज्यों पर थोपती है, राज्य सरकार कहते हैं हम कर नहीं पाएंगे, महंगाई पे इनकी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, क्या लहर है फिर सपा? अगर आ गए तो हम लोगों को हाथ जोड़ कर यह करना पड़ेगा, मेरा जीवन दान दे दो, सब कुछ ले लो आप, इससे ज्यादा आप क्या हमें कर सकते हैं? अच्छा, सपा बसपा कांग्रेस किसको देख रहे हैं, क्यों टक्कर, किसकी टक्कर है बस्ती में? समाजवादी की। क्या कह रहे हैं? बीजेपी जीरो है, जीरो है, बस्ती में जीरो है, कोई काम नहीं किया। तो रैलियों में तो बताते हैं बस्ती में हीरो है, 50 खरब रुपया लगेगा। भैया भैया कह रहे हैं बस्ती में तो बीजेपी हीरो है, कहाँ हीरो है बता रहे, जीरो। अरे तो जीरो तो आप ही लोग बना के रखे हैं, हम तो सच बता, आप लोग हीरो बना के बैठे हैं। अरे बनाने वाले आप, भैया जी आए आते हैं वोट मांगने, विधायक जी का हम चेहरा आप तक छूट कर नहीं देखे बाटे, विधायक तुम्हारे, हम किसी विधायक का नहीं देखे हम चेहरा, हम विधायक के चेहरे नहीं देखे हम, की विधायक क्या है क्या नहीं। अच्छा, एक विधायक का नाम बता दो भैया। ये हमारे रैया विधानसभा क्षेत्र के हुए अजय सिंह, हुआ नाव खाली जाने से कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कह रहे हैं रैया के विधायक है अजय सिंह, उनको हम एक बार देखवाए ना कि मैं बस्ती से विधायक, क्या बात बता रहे हैं, खाली बोर्ड लगवाए, बोर्ड लगवाए है, काम कुछ नहीं, मखौड़ा विकास के लिए पैसा है या पैसा काम नहीं, मतलब रैया के विधायक है, क्या नाम बताए, अजय अजय सिंह, अजय सिंह खुद एक विकास कर रहे हैं,
जनता के विकास से कोनो मतलब है नहीं, जनता के बीच बैठे हैं। देखिए ऐसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े डिबेट में चीख चिल्ला कर तारीफे सरकार की आप सुन लेते हैं, लेकिन जमीन पर खड़े होकर जनता के मुद्दों पर आपके विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी सुन लीजिए कि कौन विधायक कैसा काम कर रहा है। भैया मैम यहीं से वहाँ जब 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल है, यहाँ पे आप जाके देखिए गड्ढा किस हाल में है, और विकास की बात करते हैं जिला चिकित्सालय बड़े अस्पताल पे, और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है। जांच लिखे प्राइवेट मोहल्ले में चले, आपको रोड दिखाए ऐसी रोड प्राइवेट अच्छे दिन आ गए। अरे बहुत विकास हो गया भैया, कुछ बचा ही नहीं कहने का। 5 विधायक 1 सांसद क्या कर रहे हैं आपके बस्ती में? जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये इन्हीं का स्लोगन था ना, अब वही इन पे भी पड़ेगा, जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। भैया जनता तो ढिलाई के नाम पर धुलाई कर दे रही है सरकार की। 5 विधायक 1 सांसद। दोस्तों इस समय नवंबर के महीने में ICICI T20 वर्ल्ड कप जैसे बहुत सारे क्रिकेट गेम चल रहे हैं, फुटबॉल में भी चैंपियन लीग जैसे इंटरेस्टिंग इवेंट है। 1xBet पर आप गेम खेलकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मौजूद मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट डिपॉजिट पर 13,000 रुपए मिल जाएंगे। पैसे आप आसान बैंकिंग माध्यम से निकाल सकते हैं। किसी भी गेम में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ध्यान जरूर रखिए। मैम मेरा नाम देव शुक्ला, मैं डीएलआर संघ प्रदेश अध्यक्ष BTC संघ के। मैम आज उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी है, इस समय उत्तर प्रदेश का चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, सभी इनसे बहुत ही पीड़ित और दुखी हैं। हम लोगों की पिछले 2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन लखनऊ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया गया, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिला गया। आप समझ लीजिए कि बेसिक शिक्षा विभाग में पद खाली है, टीम गठित की जाती है। भैया ये सारी बातें तमाम सरकारें आती हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो पाती, सरकारें वादा करती हैं कि इतना लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में BJP सरकार ने भी 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। धन्यवाद के पोस्टर लग गए, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड देने का समय आ गया है, तो आप रिपोर्ट कार्ड में जो छन्नी से जो निकला है, कहते जो फिल्टर निकला है, वो फिल्टर आप लोगों को संतुष्ट कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुस्लिम ये जातीय समीकरण धर्म की राजनीति करती है, बस्ती में भी है हिंदू मुसलमान जी, कोई नहीं, क्या कह रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास विकास नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। बीजेपी के पास तो कहा जाता है चुनावों में तो हिंदू मुसलमान मुद्दा जो है तो अफीम की तरह होता है, जिसको चटा दो वो बहक जाता है। अब ऐसा होता है, जनता को मूर्ख बनाया जाता है, तो जनता बनती है, उसके बाद फिर 5 साल तक नजर नहीं आते हैं लोग। अच्छा जनता तो आप ही है, सरकार में तो आप ही लोग लेकर के आते हैं, आप ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत में लेकर आए, अब क्या हो गया? अब विश्वास दिलाया जाता है तो लेके आते हैं, उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो लोग अपनी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं। बस्ती में उम्मीद पर खरे नहीं उतरे नहीं, 5 विधायक 1 सांसद कोई नहीं। मैम कहीं ना कहीं उस समय युवाओं को ये उम्मीद था कि महंगाई चरम सीमा पे है, कहीं ना कहीं सरकार परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, तो आम जनमानस को राहत मिलेगा। इसी सोच में किसान ने भी वोट दिया, नौजवान ने, देश आगे बढ़ रहा है, करोड़ों वैक्सीन लग रही है, जो महंगाई के एवज में बताया जा रहा है कि ये सब भी हो रहा है, उसका असर आप लोग पर नहीं है? बिल्कुल नहीं मैम, सिर्फ ये बेवकूफ बना रहे हैं और बाकी काम क्या कह रही मैडम, पेट्रोल का ही देख लीजिए ना, बढ़ते चला जा रहा है, इससे क्या हर तो चीज महंगाई होते जा रहा है, और हम स्पेशल टीचर हैं इसलिए खास तौर से आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है, अध्यापिका हैं आप, इसलिए हम आपसे खास तौर से मिलने आए हैं। 5 साल से जब से इनकी सरकार है, हमारी 1 पैसा वेतन बढ़ा नहीं है, जो कि 10% हमेशा हम लोग का बढ़ता है। तो सरकार तो लगातार कह रही है कि अध्यापिका, सरकार जो कहती है वही, अगर वैसे ही जनता मूर्ख बना रही है और जनता देख रही है वही जो कर रही है, हम लोग तो भोग रहे हैं ना, हम लोग से पूछे जो सच्चाई है किस तरीके, हम इसीलिए स्पेशली आपको देख के आए हैं, क्योंकि हम आपका YouTube भी देखते हैं। अच्छा अच्छा, उसी के नाते हमेशा देखे, तो हमें ये 10% हर साल हम लोग का बढ़ना है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम कह रहे नहीं चाहते, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। आपकी बस्ती के लोग क्या करने वाले हैं फिर, समझ नहीं आ रहा, हम तो सोच के थे विकास के नहीं लड़ना चाहिए। रैलियों में तो कहा जाता है कि गोरखपुर में बस्ती में, यानी योगी आदित्यनाथ के जो गढ़ है, यहाँ तो विकास की गंगा बह रही है। मैम आप अच्छे से जानती है ना, खाली जो कहा जाता है होता नहीं है,
और इसमें भाजपा वाले में बोलने वाले काफी है, सबको झुठला के नीचे तोपने वाले ज्यादा हैं, आप भी अच्छे से जानती हैं। तो जनता भी तो नीचे तोप देती है, अगर जनता के मुद्दों पर बात नहीं होती, अगर जनता के मुद्दों पर काम नहीं होता, काफी लोग मूर्ख पड़े तो हैं, जनता भी उसी तरीके से, अब हम क्या बताएं, पढ़े लिखे होके नहीं, आप बताइए चावल, जो अनपढ़ है 2 किलो चावल मिल जा रहा है वो खुश है, लेकिन गरीब आदमी को अगर 2 किलो चावल भी मिल रहा है तो उसको क्या क्या चल, लेकिन लिया किसका जा रहा है, हमी लोग के जैसे 10% अगर नहीं पढ़ा 5 साल से, हमी लोग का तो पैसा दिया जा रहा है कि कहीं अलग से आ रहा है, हमी लोग का तो पैसा जनता में जा रहा है, तो हम लोग हम सब टैक्स देते हैं, सरकार का विकास हो, लेकिन हम लोग का भी कुछ विकास होना चाहिए कि हम लोग उसी पे नियम पे करते आ रहे हैं, हम लोग के बारे में मतलब अच्छे दिन नहीं आए क्या, हमें तो अच्छे दिन नहीं आए क्या भैया, जिसके आए हो उसका क्या नाम है भैया, हेमंत, 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 क्या हाल है बस्ती का, बस्ती में क्या चल रहा है भैया, एकदम एकदम ध्वस्त है, ध्वस्त है, ध्वस्त है, कहा तो जा रहा है कि यहाँ विकास बड़ा मस्त है, बस कागजों में, कागजों में